अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक लेस डिज़ाइन जो बहुत ही इजी डिज़ाइन है, जिसे आप स्कार्फ पर, दुपट्टे पर बना सकते हैं। सिल्क थ्रेड मैंने यहाँ पर लिया है, ये आपको लोकल मार्केट में या फिर प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर्स, ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ पर मिल जाएगा। इसकी परचेज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। 7 नंबर 0.95 mm के हमने ये नीडल ली है। इस तरह की नीडल्स भी उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्लिप नट ले लेंगे। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेड कलर का जो बटन है उसे प्रेस करके, एंड देन बेल नोटिफिकेशन आएगी, वहां पर आपने ऑल पर क्लिक करना है, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। अब आपने कॉर्नर से स्टार्ट करना है। मैं यहाँ पर सैम्पल डिज़ाइन बना रही हूँ, तो मैं बीच से स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे आपकी मर्जी, आप कॉर्नर से स्टार्ट करोगे तो इस तरीके से आपने नीडल डालकर पहले स्लिप नट ले लेना है। सिंगल क्रोशेट बना लेंगे यहाँ पर हम। सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद हमें डिज़ाइन स्टार्ट करनी है, तो हमें एक गैप की ज़रूरत होगी, जिसके लिए हमें 3 चैन वाला स्पेस बना लेना है। 3 चैन लेकर हम थोड़े से गैप पर सिंगल क्रोशेट बना लेंगे इस तरीके से। देन हमें लेनी है 4 चैन, 1, 2, 3 एंड 4। 4 चैन लेने के बाद हम नीडल पर 2 टाइम्स धागा फोल्ड करेंगे। देन ये जो 3 चैन का गैप है, इसके क्रॉस में हम ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। 2 टाइम्स धागा फोल्ड करके हम ट्रिपल क्रोचेट बनाते हैं। 2 धागों में से बाहर आएंगे, धागा लेते हुए 2 धागों में से बाहर आएंगे, एंड देन लास्ट धागा फोल्ड करके 2 धागों में से बाहर आएंगे। फिर नीडल पर 2 टाइम्स धागा फोल्ड करेंगे सेम उसी गैप में। ऐसे ही हम टोटल 6 टाइम ट्रिपल क्रोचेट बना लेंगे। ये 3rd टाइम 2 धागों में से बाहर आएंगे, फिर 2 धागों में से बाहर आएंगे, फिर 2 धागों में से, और ऐसे ही टोटल 6 टाइम हम ट्रिपल क्रोचेट बना लेंगे। ये 5, एंड देन लास्ट। जब आप लास्ट वाला ट्रिपल क्रोचेट बनाओगे तो आपने थोड़ा सा हाथ लूज रखना है, क्योंकि ये जो फर्स्ट स्टेप होता है इसे आपने खींचकर थोड़ा सा लूज कर लेना है, एंड देन सेम स्टिचेस आपने लेते जाना है। तो ये हमारा राउंड रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, 3 चैन लेनी है, 1, 2 एंड 3। 3 चैन लेकर आपने इस तरफ से कपड़े को ऐसे होल्ड करना है, और फिर आपने अटैच करना है, ना बहुत ज़्यादा नज़दीक ना बहुत ज़्यादा दूर, इक्वल ये जहाँ पर एंड हो रहा है ऐसे चेक करके, एंड देन यहाँ पर आपने डायरेक्टली सिंगल क्रोचेट बना लेना है। अब जैसे स्टार्ट करने के लिए हमने ये 3 चैन का स्पेस बनाया था, अब हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जो ये स्पेस है इसी में डिज़ाइन बनती जाएगी। तो ये इतना कंप्लीट हो गया। अब आपने डायरेक्टली ये डिज़ाइन फॉलो करनी है। 4 चैन आपने ले लेनी है, 1, 2, 3 एंड 4। 4 चैन लेकर नीडल पर 2 टाइम्स धागा फोल्ड करके इस गैप में 6 टाइम ट्रिपल क्रोचेट बना लेंगे। 1, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर ले, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है। ये 2, इसके अलावा मेरा एक और चैनल है अरबीना बुटीक, वहाँ पर भी आप लोग विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर भी आप लोगों को मैक्रेम के, एम्ब्रॉयडरी के और क्रोशियो के प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ये 4 टाइम्स हो गया, 5 एंड लास्ट 6। यस, फिर आपने लेनी है 3 चैन, 1, 2 एंड 3। 3 चैन लेकर बिल्कुल ऐसे ही आपने दोनों तरफ से स्कार्फ को होल्ड करना है, और जितनी दूरी पर ये एंड हो रहा है वहाँ पर आपने सिंगल क्रोचेट लेकर इसे अटैच कर लेना है। दैट्स इट। और ऐसे ही हमारी ये डिज़ाइन कंटिन्यू बनती जाएगी। जितनी आपको लेंथ बनानी है आप ऐसे ही बनाते जाओगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। अब इसके अलावा मैं एक और बात आप लोगों को यहाँ पर बताती चलूँ कि 4 साइड में दुपट्टे पर अगर आप लोगों को ये लेस बनानी है, तो मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि प्लीज़ आप साथ में ये भी बताया करें कि हमें कितना चार्जेस लेना है। तो अराउंड 400 to 450 rupees आप इसका ले सकते हैं, और उसमें यान आपका होगा। अगर सामने वाला बंदा आपको यान देता है और सिर्फ मेकिंग चार्जेस आपने लेना है,
तो 200 to 250 rupees इनफ है, क्योंकि ये डिज़ाइन बहुत ही इजी और सिंपल सी है और जल्दी से बन भी जाएगी। तो इस तरीके से ये 3, 4, 5 एंड द लास्ट 6। ओके, सो ये 6 टाइम ट्रिपल क्रोचेट बनने के बाद आपने 3 चैन लेनी है, 1, 2 एंड 3। 3 चैन लेकर जहाँ पर ये एंड हो रहा है वहाँ पर आपने अटैच कर लेना है। अच्छा, अब 3 चैन लेने के बाद ये इतना स्पेस आ रहा है, अगर आपको इन दोनों के बीच में और ज़्यादा गैप छोड़ना है तो आप चैन की लेंथ और बढ़ा सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 3 चैन ली है, आप 4 to 5 चैन भी ले सकते हैं, उससे भी डिज़ाइनें काफ़ी अच्छी लगती है। सो अब मैं आपको इसका थोड़ी और लेंथ बनाकर फाइनल लुक बताती हूँ। सो गाइज, दिस इज़ अ फाइनल लुक। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप लोग शेयर करोगे जो कि बिल्कुल फ्री है, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ध्यान रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़, बाय गाइज़।